सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ की चौथे अध्याय जिसे कैवल्यपाद भी कहते हैं के 29वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 29वां सूत्र कहता है, प्रसंख्याने अप्यकुशिदस्य सर्वथा विवेक्यातेर धर्म मेघः समाधिः। अर्थात जो योगी प्रसंख्यान ज्ञान से भी विरक्त है, उसके निरंतर विवेक ख्याति के उदय होने पर धर्म मेघ समाधि होती है। प्रसंख्यान का मतलब हो गया कि जितने भी तत्व होते हैं उनकी जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का एक क्रम जो होता है, उनके आपस में जो संबंध होते हैं, जो समन्वय होता है, उनकी क्रिया प्रक्रिया का मिश्रण का जो प्रभाव होता है, इन सबको समुचित ढंग से समझ जाना ही प्रसंख्यान है। और यह जो प्रसंख्यान है इसी को विवेक ज्ञान भी कहेंगे। और विवेक ख्याति जो है, जिसमें कि क्या संसार में चल रहा है, क्रिया प्रक्रिया चल रही है पदार्थों में, ऊर्जा में, वह और जो परिवर्तनशील जगत है उसमें, और इसके ठीक उलट जो पुरुष है, आत्मा है, जो अनिर्वचनीय है, जो निराकारत्व को प्राप्त है, और जो शाश्वत सत्ता को प्राप्त है, अपरिवर्तनशील है, इसके भेद को जानना, इसके संबंधों को भी जानना, इनके समन्वय को भी जानना, इनके अभिव्यक्तियों को भी जानना, यह विवेक ख्याति होता है। पहले भी बताए हैं कि जब विवेक ख्याति जब हो जाता है तो व्यक्ति को इसका बोध तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी चूंकि उसके संस्कार पहले से रहते हैं तो वो रह रह करके बीच बीच में उभर उभर के वैसे संस्कार सब भी आ जाते हैं, जिसके कारण बाधाएं हैं पड़ते रहती हैं। तो जब वह यहाँ पर अकुशिदस्य का प्रयोग हुआ है, कुशिद कहते हैं सूद को, ब्याज को, तो रह रह करके उसका आ जाना वो व्यवधान है, कुसिद है। और अकुशिदस्य जो है वह एक निरंतरता है, लगातार चला रहा है, उसमें पूंजी जुटती चली जा रही है और अपने आप वो चढ़ता चढ़ता आ रहा है, और उनसे वह मुक्त हो गया है। जो लगातार पूंजी जुटती रही है, रह रह के उभरती रही है, उससे अब अकुशिदस्य अवस्था में है, यानी उससे अब वह मुक्त हो गया है, संस्कार से भी मुक्त हो गया है, क्रियाओं से, कर्म से वो मुक्त हो गया, निष्काम कर्म में वो चला गया है, अकुशिद अवस्था है। तो ऐसे होने से क्या होता है, समाधि ही होती है, यानी हमारी धी अर्थात प्रज्ञा सम हो जाती है। तो जब हमारी प्रज्ञा सम हो जाएगी तो वह कौन सी प्रज्ञा है, धर्म मेघ, यानी धर्म की वर्षा हो रही, मेघ यानी बादल, तो धर्म की वर्षा जहाँ होने शुरू हो जाए, ऐसी समाधि उसको व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, योगी को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की समाधि जो धर्म सम्मत समाधि है, जिसमें कि उसका विवेक ज्ञान पुख्ता हो गया है, उसको पर वैराग्य कहते हैं, वैराग से भी ऊपर की अवस्था है पर वैराग्य हो जाना। और इसका जो फल होता है वो असंप्रज्ञात समाधि होती है, निर्बीज समाधि होती है, जिसमें बीज नहीं रह जाता, कामनाओं के बीज, संस्कारों के बीज, ये सब सब
यानी निवृत्ति करने के भी बीज नहीं रह जाते हैं, सारे बीज दग्ध हो जाते हैं, इसीलिए इसे निर्विज समाधि कहते हैं। तो धर्म में एक समाधि से समझ लें या संप्रज्ञात समाधि हो गई, जिसमें कि बीज नष्ट हो गए और वह केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो पतंजलि जी हमें यही बतलाना चाह रहे हैं कि तमाम तरह की जो लिप्साएं हैं, अभिप्साएं हैं, ये सब समाप्त हो जाती हैं प्रसंख्यान से, विवेक ज्ञान से। इन तत्वों की जो संख्याएं हैं और उनका जो क्रम है, उनके जो प्रभाव हैं, उन सब का यथोचित विश्लेषण व्यक्ति जब कर लेता है, तब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि उसका विवेक पूर्ण जागृत होता है, 100% जागृत हो जाता है और अब उसमें बाधाएं नहीं रह जाती हैं। तो सारे संस्कार भी निवृत्त हो जाते हैं और निवृत्ति की भी निवृत्ति हो जाती है। वह अवस्था आ जाती है, या संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, धर्म एक समाधि हो जाती है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।